नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के धुरवा गोलचक्कर सेक्टर 3 की। तस्वीर में यह है कि जो सड़क के दोनों ओर पेड़ लगी हुई है, वह सारे जो पेड़ है वह लगभग जो है देख सकते हैं सूखने की स्थिति में आ चुकी है। हालांकि पतझड़ का अब मौसम आने वाला है, तो यह कह सकते हैं कि कई पत्ते जो हैं अब नए उग रहे हैं और जो है पुराने पत्ते झड़ भी चुके हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो कि सड़ चुके हैं, सूख चुके हैं। तो उन पेड़ों को अब तक जो है प्रशासन द्वारा छटनी जो होता है वह छटनी नहीं किया गया है। हालांकि यह छटनी का काम जो है जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन फिलहाल यह छटनी का कार्य जो है अब तक बाधित दिखाई पड़ रहा है। अधिकांश पेड़ों को आप देख सकते हैं पेड़ की स्थिति जो है काफी खराब है, क्योंकि पेड़ में जो पत्ते हैं वह हरे नहीं है, बल्कि जितने भी पेड़ के जो पत्ते हैं वह लगभग सूख चुके हैं। यह अच्छा संदेश नहीं है पर्यावरण के लिए, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हालांकि यह पतझड़ का मौसम जरूर आ चुका है, लेकिन एकाएक पत्तों का पेड़ से झड़ जाना यह काफी चिंताजनक माना जा रहा है। इसके अलावा राजधानी रांची में अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है, और यह मौसम का जो बदलाव हुआ है इस मौसम के बदलते वातावरण को देखते हुए जो पर्यावरणविद है उन्होंने चिंता जाहिर की है, और उन्होंने साफ कहा है कि इतना जल्दी मौसम में परिवर्तन होना या काफ़ी चिंता का विषय है, और इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुनामी भूकंप जैसे आपदा जल्द आ सकते हैं।